ये एक बोर्ड है जिसमें कि नो पावर तो नहीं, नो डिस्प्ले है। उसे कंडीशन दिखाऊं तो कुछ ऐसा है कि ये ऑन तो हो रहा है बट कुछ कम करंट कंज्यूम कर रहा है, और कोर सप्लाई नहीं है इसमें, कोर सप्लाई मिसिंग है। तो एक बार ज़रा सा मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ। ये कुछ 94 mA के आसपास कंज्यूम हो रहे हैं, तो ये चीज़ें हैं। और दूसरा चीज़, इसमें कोर नहीं है। अगर जो रिक्वायर्ड सप्लाई चाहिए उसमें से कोर मिसिंग है देखा जाए तो ये नहीं है, ये सप्लाई वैलिड नहीं है, क्योंकि ये मिली वोल्ट से भी नीचे जा रहा है। तो ये नहीं है, ये 1.0 के सप्लाई हैं। ये रहा अपने पास 1.0, और यानी कि ये बोर्ड ऑन तो है बट ये डिस्प्ले नहीं दे रहा है। यानी कि इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं ये कि इसको पहले डायग्नोस करेंगे कि कोर सप्लाई क्यों नहीं बन रहा है, उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले के लिए हम जाएंगे, क्योंकि इस पे तो कोर सप्लाई अगर नहीं है तो डिस्प्ले कहाँ से ले आएंगे। तो ये छोटा सा केस होगा, मेरे को लगता है कि कोई ना कोई सप्लाई अगर मिसिंग होगा या फिर कोई ना कोई ऐसा लॉजिकल फेलियर होगा यहाँ पर, तभी ऐसा हो रहा है। तो एक बार लिए देखते हैं कि इसमें अगर कोर नहीं बन रहा है तो उसके रिक्वायरमेंट क्या है, तो एक बार जरूर देखते हैं यहाँ पर। ऐसे केसों में सबसे पहले तो सारे पावर सप्लाई चाहिए होते हैं। पावर यानी कि जितने भी सप्लाई हैं वो सभी के सभी बोर्ड पे होने चाहिए, चाहे ऑलवेज हो या पावर सोर्स हो। और ऑलवेज चेक करेंगे पहले, फिर पावर सोर्स सोर्स वोल्टेज सोर्स देखेंगे यहाँ पर कि सही है या नहीं है। तो एक एक करके मेजर करता हूँ मैं, थोड़ा पास से देखेंगे इसको, क्योंकि मुझे भी दिखाई नहीं देता बिना माइक्रोस्कोप। तो 94 यानी कि वही कंजप्शन है यहाँ पर। और सबसे पहले तो यहाँ पे जैसे कि मैं चेक करूँ तो अपने कुछ चाहिए 5 वोल्ट अवेलेबल है। अगर 3 वोल्ट 1.2 निकल रहा है तो 5 वोल्ट तो जरूर रहेगा ही, 1.0 है ही है। और दूसरा एक VCC आई हो, और VCC VTT दोनों तो है ही है यहाँ पर, ये यहाँ पे मिल गया, दो है। और एक सप्लाई कोर और GT, ये दोनों तो नहीं रहेंगे अभी फिलहाल के लिए। रैम के सप्लाई हैं, और रैम के लिए जो SLP के सिग्नल्स हैं या नहीं वो भी पता कर लेते हैं, क्योंकि S4 पे आता है अपना मेन आउटपुट रैम के। यहाँ पे दूसरा SLP S3 भी होगा क्योंकि यहाँ पे आउटपुट निकल रहा है। निकल भी रहा है कि नहीं निकल रहा है, एक सेकेंड मैं इसको वापस से चालू करता हूँ। ये सप्लाई है यहाँ पर आके गया, और है भी, तो ये भी सही है। वापस से 1.8 चाहिए यहाँ पर, 1.8 2.5 वो भी देखने होते हैं अपने को, 2.5 भी है, और यहाँ पे होते हैं 1.8 तो भी है। यहाँ पे वोल्टेज सोर्स यानी कि ऑलवेज, और एक साइड ऑलवेज एक साइड वोल्टेज सोर्स होगा, ये दोनों सही है। वापस से यहाँ पर भी देख लेते हैं एक बार के लिए, रिवोल्ट एक साइड में कम है, 1.0 है, और इसे 5 वोल्ट, ये कम है, इसको देख लेते हैं क्यों कम है। अगर ये कम है तो पहले तो इसके इम्पीडेंस नाप लेते हैं यहाँ पे, यानी मेजर कर लेते हैं कि इम्पीडेंस क्या है यहाँ के। इम्पीडेंस 49 ohms जो कि कम है यहाँ के लिए। तो 49 अगर है, 49 तो इसको पहले हटाता हूँ मैं, इसको हटाने के बाद देखेंगे कि ये रेजिस्टेंस यहाँ से हटता है या नहीं हटता है, जो कम दिखा रहा है यहाँ पर, 2 ohms का रेजिस्टेंस यहाँ से जाता है या नहीं जाता है। ये IC है, एक मॉड्यूल है, तो ये खराब हो सकता है। ohms अभी भी पड़ा है, बट ये क्यों पड़ा है इसको चेक करना पड़ेगा, बढ़ तो नहीं रहा है। इसमें जरा सा सप्लाई अलाउ करेंगे हम इस पे, जो कि अपने को समझने में हेल्प करेगा कि एक्चुअली शॉर्टिंग है या ऐसे ही है।
सही है, एक बार इस पे मैं सप्लाई अलाउ करता हूँ, 1 वोल्ट दे लेते हैं पहले, 2, 3 और 3.3। तो यहाँ तो कुछ ऐसे खास लग रहा है कि एस आई गर्म हो रहा है, तो एक बार देख लेते हैं कि एस आई ओ शॉर्ट है क्या ये, क्योंकि एस आई ओ अगर शॉर्ट होगा तो फिर थोड़ा सा रुकते हैं, हीट हो रहेगा। थर्मल का यूज़ कर लेता हूँ मैं, ओके करता हूँ। हमारे पास डिवाइस है तो क्यों ना यूज करें। नहीं, इस साइड में कुछ गर्म हो रहा है, नहीं गर्म तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, और करंट भी 200 मिली एम्पीयर के आसपास कंज्यूम कर रहा है, तो यानी कि ये सही होगा। देखते हैं एक बार के लिए, हम इसे रिप्लेस करके देख सकते हैं कि रिप्लेस करने के बाद क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, क्योंकि ये रेल डिस्चार्ज है यानी कि इस पर कोई पावर नहीं है, तो उस केस में भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस इधर उधर दिखा सकता है बोर्ड पे, क्योंकि मल्टीपल कंपोनेंट्स लगे होते हैं वहां पर। एक बार देख सकता हूँ मैं, देख लेता हूँ कि इसका 1 नंबर पिन का कंडीशन क्या है, नहीं तो फिर उल्टा लग जाएगा ये। थोड़ा सा सोलर डालते हैं इसके ऊपर, क्योंकि ये जो सप्लाई है, ये जो कंपोनेंट है प्रॉपरली सोल्डर नहीं रहेगा तो फिर ये खराब हो जाएगा। अगर आगे प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, अगर खराब होगा तो ज़रूर चल जाएगा। लिक्विड लॉग हटाएंगे गर्म करके, ये प्रॉब्लम कर सकता है। चेक करते हैं इसे, ये क्या चालू होता है या नहीं होता है, सप्लाई भी देखेंगे साथ ही साथ कि वहाँ पर सप्लाई बढ़ रहा है कि नहीं। ये वो सप्लाई है, ये बिल्कुल बढ़ गया 399 के आसपास ये कंज्यूम कर रहा है, बट आई थिंक डिस्प्ले भी तो आना चाहिए।
इसको लगा लेते हैं एक बार के लिए। रैम को दूसरे स्लॉट में यूज किया मैंने, 403 4 सप्लाई बन गया, देख लेते हैं एक बार। 0.98 बने हुए हैं और जीडी नहीं है, तो एक बार के लिए रैम क्लीन करेंगे कि इसमें क्या रैम वगैरह का कुछ लफड़ा हो गया है क्या, क्योंकि प्रॉब्लम तो वही था। रैम चेंज करेंगे एक बार क्योंकि नहीं जा रहा है आगे ये सिस्टम। ऐसा लग तो रहा है ये सिस्टम इस पे कुछ चल रहा है, बट डिस्प्ले आएगा कि नहीं वो देख लेते हैं। 250 रिबूट हुआ, आना चाहिए डिस्प्ले, यानी कि इसका रैम भी गया। ये रेफरेंस तो दिख गया अपने को, लेकिन ये अब इसके रैम पे एक बार चेक कर लेते हैं इसका रैम क्या कह रहा है, क्योंकि ये तो हमारा टेस्टिंग रैम है। अगर कस्टमर को बोलेंगे कि रैम खराब है इस समय, तो वो कस्टमर ये बोलेंगे कि भाई तुमने क्या किया, पहले से तो मेरा नो डिस्प्ले था और रैम चेंज कर रहे हो, फिर बोर्ड में क्या किया, ये क्वेश्चन आ जाता है। बट वो नहीं समझेंगे कि ये कितना सिस्टम कंज्यूम कर रहा था, कौन सप्लाई क्या है, कंडीशन को दिख रहा है कि नो डिस्प्ले है बस, ऊपर ऊपर से नहीं दिख रहा है कि नो डिस्प्ले है, लेकिन अंदर तो चीज़ें अलग हैं। क्या ये रैम का इम्पीडेंस खराब हो गया है क्या, एक बार के लिए देखते हैं कि जो अपने को आउटपुट पर मिल रहा है यानी कि VS वाले पर, वो रैम तो नहीं डाल रहे हैं, तो एक बार ज़रूर उसको निकाल कर मैं देखूँगा। SPD कम्युनिकेशन डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं रैम के साथ में, उसके लिए सप्लाई सोर्स सप्लाई 55 49 अभी वही का वही पड़ा हुआ है। एक बार इसमें रैम निकाल के चेक करता हूँ ताकि मालूम पड़ जाए कि इससे कोई रिलेशन है इस लो ओम्स का, यहाँ पे नहीं, इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो एक बार के लिए मैं ना इसको इंस्पेक्ट कर लूँ कि कुछ इसको क्लीन वगैरह करने से चलेगा कि नहीं। यहाँ पे तो दिख रहा है कि कुछ एक जंग खाया हुआ है, तो एक बार इसको ठीक करते हैं वजन को, शायद चल जाए, बिल्कुल चल जाएगा ये, क्योंकि ये ओपन है ये एरिया। चलो लकी हम कि इस बार अपने को स्लॉटिंग कह रहा हूँ, अपने को प्रॉब्लम मिल गया रैम पर, इसको हम ठीक करके दे देंगे कस्टमर को, कस्टमर का रैम का खर्चा बच जाएगा। और साथ ही साथ ये भी सुनना नहीं पड़ेगा कि भाई तुमने क्या की तुमने क्या किया। तो लगता है कि इसमें जम्पर वायर देना चाहिए या फिर ऐसे ही हो जाएगा, देख लेते हैं एक बार। थोड़ा सा लेट फ्री वाला सोल्डर यूज करेंगे ताकि ये वही गलत हो गया। लेगा कोई दिक्कत नहीं, मैनेजेबल, तो मैं हीट यूज करूंगा इसको ठीक करने के लिए।
यानी कि असेंबली ये डिफोकस वगैरह गर्म होने पर कोई बात नहीं, यहाँ पे जम्पर वायर यूज कर लेंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। बस पहले जम्पर वायर प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने को, थोड़ा रंग का होना चाहिए। ये पूरा शोल्डर लग जाता है इस पे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। चलो ये तो लग गया, इतना मैनेज कर सकते हैं, उससे ज्यादा हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके, गोट पेटेड फुटप्रिंट फट जाएगा, कम्युनिकेशन मिस होगा, हो सकता है बार बार कभी डिस्प्ले आए ना कभी नहीं आए, इस तरह से हो तो इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पर कोई बात नहीं चलेगा। कर गया कोई नहीं, डिस्प्ले आ गया तो क्या दिक्कत, डिस्प्ले आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्प्ले नहीं आएगा तो प्रॉब्लम है, बोलेंगे चोरी कर लिया। वीडियो दिखा दूंगा ना मैं, डिस्प्ले आ जाएगा। यहाँ पे कंडीशंस चेंज हो रहे हैं, आ जाएगा ये आ गया, तो रेफरेंस दिख गया, LDP पे तो आ ही जाएगा अगर ये सही होगा तो। एक छोटा सा केस है ये जो कि आसानी से सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें इस तरह के केस में क्या होता है, जैसे कि इसमें बोर्ड प्रॉब्लम था और मैंने ठीक किया पहले, अब उसके बावजूद भी डिस्प्ले नहीं, यानी कि रैम का इशू था। अगर इस केस में अगर रैम खराब है, कस्टमर को बोल देते हैं तो कस्टमर का ये कन्फ्यूजन रहता है दिमाग में कि भाई ये जो कंडीशन पहले था, अगर नो डिस्प्ले में तो रैम भी खराब हो ही सकता है, और रैम के लिए रैम चेंज करके ही पैसे मांगा, तो ऐसा नहीं होता सब टाइम। कभी कभी बोर्ड भी खराब होते हैं, खाली रैम भी खराब नहीं होते, और रैम के साथ बोर्ड भी खराब होता है, बोर्ड के साथ रैम भी खराब होता है, और भी कुछ कुछ अलग अलग कंडीशन बनते हैं, LCD भी खराब हो सकता है, बहुत सारे कंडीशन होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, अब जगह जान के चीज़ों को इम्प्लीमेंट किए जाते हैं और क्वेश्चन किए जाते हैं सामने वाले के ऊपर। ऐसा नहीं कि कभी किसी भी चीज़ को लेकर बोल दिया जाए। तो बेसिकली क्वेरी होते हैं जो देते हैं हमें काम या फिर कस्टमर डायरेक्टली। तो एक छोटे से केस के साथ मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।